आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यहोशू की पुस्तक छठवां अध्याय वचन 1 से 14। यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आएं और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन 7 याजकों ने मेढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया।